शनिवार को सीतापुर अस्पताल सभागार में भारतीय चिकित्सा संघ उत्तर प्रदेश ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल का विरोध करते हुए धिक्कार दिवस मनाया और इस दौरान कार्यों को बाधित किया। सभी गैर सरकारी डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक के सामने विरोधनात्मक पोस्टर चस्पाकर विरोध किया। भारतीय चिकित्सा संघ का कहना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पूर्णतया और अलोकतांत्रिक है, गरीबों के विरुद्ध है, पिछड़े समुदाय विरोधी और अमीरों को रास आने वाला कहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा संघ गोरखपुर डॉक्टर जेपी जायसवाल ने कहा, सरकार जो है एनएमसी बिल लाने जा रही है, यह जन विरोधी है। डॉक्टर विरोधी तो है ही है, जन विरोधी है। और यह जो है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो बड़े धनाढ्य लोग जो अस्पताल चलाते हैं, जैसे मेदांता है, अपोलो है, या और जो आप देखते होंगे फोर्टिस है, ऐसे बड़े हॉस्पिटल के पक्ष में है। इससे क्या होगा, इस बिल के आ जाने से जो छोटे छोटे अस्पताल हैं और जो छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं जो जन सेवाएँ देते हैं, आज भी आपने देखा होगा, आज भी जो है ऐसी स्थिति है जहाँ फीस नहीं लेते हैं और दवाई देते हैं, डिस्पेंसिंग डॉक्टर बोलते हैं उनको, वो अपनी फीस उसी में शामिल कर लेते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे गरीब मरीजों का बड़ा लाभ होता है, बहुत कम पैसे में उनका इलाज होता है। इस बिल के आ जाने के बाद वो लोग अपराधी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसके जो मानक हैं उसके अनुरूप वो उतरेंगे ही नहीं, सिर्फ कॉरपोरेट अस्पताल ही उतरेंगे, इसलिए ये सिस्टम ही ध्वस्त हो जाएगा। इसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं कि ऐसा न हो, और ये एक बार ये सिस्टम ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा इसको वापस लाना बहुत ही मुश्किल होगा। सरकार को चेताने के लिए, सरकार को बताने के लिए, जनता की भावनाएं और डॉक्टरों की भावनाओं को सामने लाने के लिए ये हड़ताल की गई है। ये सुबह 6 बजे से आज शाम के 6 बजे तक सब कुछ हड़ताल पर है, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के। इमरजेंसी के लिए हम लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं, आज तक जब भी किए हैं हमेशा इमरजेंसी को हम लोगों ने चालू रखा है। एक दिन का हड़ताल है सर।